नेक्स्ट जेस 13 पे बने वेबसाइट को आप शेयर्ड होस्टिंग में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज यूस्टेबल वेब होस्ट का यूज करने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट जेस के वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। यूस्टेबल वेब होस्ट एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो आपको यहाँ पे हिंदी में चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी टाइम बहुत ही हैंडी साबित होता है। एंड यहाँ पे आपको 3 स्टार्टर प्लान्स मिल जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई भी जेएस बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे होस्ट करनी है, यानी कि रिएक्ट जेएस या फिर नेक्स्ट जेएस कुछ भी, तो आपको यहाँ पे द प्रोफेशनल वाला जो प्लान है वो एटलीस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि द स्टार्टर प्लान में हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते जहाँ पे हम नोड जेएस का एनवायरमेंट क्रिएट कर सके। एंड द प्रोफेशनल में भी आपको कोई पैनल नहीं मिलता है कोई नोड जेएस का इंस्टॉलेशन या फिर उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। पैनल एक्चुअली है, लेकिन वो फॉर सम रीजन सही से काम नहीं कर रहा था या फिर मुझे उसमें से काम करवाना नहीं आया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इनके चैट सपोर्ट में एक टिकट रेज कर दी थी कि मुझे एक रिएक्ट जेएस की वेबसाइट को होस्ट करना है। तो इन्होंने मुझे जो नोड जेएस का पूरा एनवायरनमेंट है वो सेटअप करके दिया था, एंड जस्ट मैंने अपनी फाइल्स को वहाँ पर अपलोड किया और मेरी वेबसाइट रन हो गई थी। इसका पूरा डिटेल वॉक तो मैंने पहले भी कवर किया हुआ है कि मैंने उनको क्या पूछा था, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था, और मैंने रिएक्ट जेएस और वर्डप्रेस को इसमें कैसे होस्ट किया था एक साथ में। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक अभी आपको कार्ड में ऊपर दिख जाएगा, वो बिल्कुल ही सेपरेट वीडियो है, आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक और चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके हर एक प्लान में अभी ऑलरेडी 70% का ऑफ चल रहा है। मेरे पास डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड है IWS10, उसका अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस 70% के ऊपर और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि टोटल आपका बनेगा 80% का डिस्काउंट। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस डिस्काउंट कूपन को रखा हुआ है, एंड मैंने यूस्टेबल वेब होस्ट का एक अफिलिएट लिंक भी ऐड किया है नीचे। अगर आप वहां से जाके यूस्टेबल वेब होस्ट से कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे होंगे बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट जेएस को होस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले इसको क्लोज कर देते हैं एंड चलते हैं हमारे वीएस कोड में। देखिए, यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट जेएस का डेमो एप्लीकेशन बनाया हुआ है। ये जस्ट मैंने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल किया है एंड कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा चेंजेस किया है, वो क्या है, तो मैंने एक कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर नेफ बार बनाया है जो कि अभी आपके सामने ओपन है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा नीचा करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल से कॉम्पोनेंट है, मैंने नेफ बार बनाया और मैंने यहाँ पे नेव रिटर्न किया है, एंड यहाँ पे जो लिंक्स है मैंने उनको रिटर्न किया है। तो नेक्स्ट जेएस में हम एक्चुअली फोल्डर बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं। रिएक्ट जेएस में हम जो राउट्स और राउटर यूज करते थे उसके जगह पे यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में ऐप फोल्डर के अंदर Next.js.13 है, वहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर ये डायरेक्टिव बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे अबाउट का एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर page.js करके एक फाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे डोमेन के बाद /about लिखता हूँ तो ये वाली जो फाइल है वो रन होगी। सेम मैंने यहाँ पे होम बनाया, तो डोमेन के बाद अगर मैं होम लिखता हूँ तो ये वाली फाइल रन होगी। तो ये हमारा जो लेआउट है वो ऐसा कुछ चलता है नेक्स्ट जेएस के अंदर, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट जेएस का उसके अंदर, ठीक है। अभी ये जो कॉम्पोनेंट्स है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, मैंने सिर्फ एक कॉम्पोनेंट बनाया और उसके अंदर एक डिव, उसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, अगर होम है तो होम, अबाउट है तो अबाउट, ये चीज मैंने रेंडर करवा दी है। एंड जो ये नेव बार है इसको मैंने लेआउट के अंदर रेंडर करवाया। लेआउट एक स्ट्रक्चर है, जैसे हम जो हमारा मेन index.js होता है हमारे रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशंस में, लेआउट भी सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लेआउट थोड़ा हमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देते हैं। इन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट जेएस के वीडियोस में। फिलहाल हमें करना ये है बिल्ड कैसे करते हैं ताकि हम इसे अपने शेयर्ड होस्टिंग में डिप्लॉय कर सकें। तो मैं एक बार सर्वर को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे बिल्ड बनाने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मली लिख देता हूँ npm run build, तो क्या होगा कि हमारा जो Next.js का एप्लीकेशन है वो एक ऐसा बिल्ड वर्जन बनाएगा जो कि नोड सर्वर पे रन करने के लिए बना होगा, ठीक है। आपको बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे भी आप उसको अपलोड करेंगे वहाँ पे नोड इंस्टॉल रखना पड़ेगा और वहाँ पे npm start का जो कमांड है वो फायर करना रहेगा, ठीक है।
लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम वहां पे npm रन कर सके, तो हम कोई कमांड भी फायर नहीं कर सकते जैसे कि npm स्टार्ट। तो उस केस में हमारे पास Next.js में एक ऑप्शन होता है कि हम जो वेबसाइट बना रहे उसको हम स्टैटिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी अगर आप होस्टिंग लेने जाते हैं जहाँ पे आप नोड इंस्टॉल कर सके, तो वो या तो VPS सर्वर होगा या तो Amazon AWS या फिर Microsoft Azure, ऐसा ही कोई सर्विस होगा। एंड ये सारी सर्विसेज बहुत महंगी पड़ती है। बेसिकली जब हम वर्डप्रेस के बैकग्राउंड में से आते हैं जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स को ये देखते हैं कि वो शेयर्ड होस्टिंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स शेयर्ड होस्टिंग कोई प्राइवेट सर्वर से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि हम वहाँ पे कोई भी अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अभी नोड जो हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम npm के कमांड्स रन करते हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी एक JS का एनवायरनमेंट है, वो भी हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, हमने अपने लोकल होस्ट में भी उसको इंस्टॉल किया था। तो हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग में वो ऑप्शन नहीं होता है, एंड हमारा जो बजट है वो AWS जैसी कोई सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको स्टैटिक एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? हमारा कमांड तो यही रहने वाला है, लेकिन हमारे कन्फिग फाइल में थोड़ी चेंजेस होंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे next.config.js का एक फाइल है, आपको यहाँ पे जाना है, एक बहुत ही छोटा सा चेंज करना है यहाँ पे आके, और यहाँ पे हमें आउटपुट में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड स्टैंड अलोन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट, और इस चीज को हम सेव कर देंगे। ये हो गया सेव, एंड अब मुझे यहाँ पे हमारा जो कमांड है उसे रन करना है। ये कमांड क्या करेगा, बेसिकली एक फोल्डर बना देगा आउट करके, और वहां पे आपके जो भी फाइल्स होंगे वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने पहले भी एक ट्राई किया था, तो यहाँ पे आउट का जो फोल्डर है वो पहले से बना हुआ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका भी पहले से बना हुआ है, आपने पहले रन किया है बिल्ड को, तो ये जो कमांड है वो पुराने बिल्ड को रिप्लेस कर देगा, और आपका कोई भी कन्फ्लिक्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। तो चले, जब तक ये प्रोडक्शन बिल्ड बन रहा है मैं वीडियो को टाइम लैप्स कर देता हूँ, एंड जैसे ही बन जाएगा हम वहां से रिज्यूम करेंगे। चले, तो यहाँ पे हमारा जो बिल्ड है वो यहाँ पे रेडी हो गया है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंड यहाँ पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा जो रूट URL है वो है यहाँ, हमारा अबाउट पेज का जो URL है वो है, एंड हमारे होम का URL है, ठीक है। और इनके सामने ये जो ब्लैंक सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है यहाँ पे ये स्टैटिक जनरेट हुआ है, यानी कि Next.js ने क्या किया है, ये जो पेजेस है उनको स्टैटिक जनरेट करके पहले से रख दिया है। अगर आपने कोई यहाँ पे API कॉल किया होता तो वो खुद API का कॉल करके वहां पे जो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए वो फेच करके उसका स्टैटिक आउटपुट जनरेट करके अपने पास रख देता, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास, आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे पास चार पेज उसने बना दिए, चार नहीं बेसिकली तीन पेज है, और ये तो एक फेविकॉन है क्योंकि ये अलग से रिक्वेस्ट जा रही है, जो भी हम रिक्वेस्ट अलग से बाहर जाती है वो यहाँ पे अलग से बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा VS कोड का काम हो गया है, तो यहाँ पे हम जाएंगे हमारे फाइल्स में, एंड ये जो आउट का फोल्डर बना है यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+A एंड राइट क्लिक करके इसको जिप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जिप बनकर रेडी हो गया। अब चलते हैं हमारे सी पैनल में, यानी कि डायरेक्ट एडमिन, हमारे पास यूज टेबल में डायरेक्ट एडमिन होता है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली सी पैनल जैसा ही है ये भी, लेकिन थोड़ा इंटरफेस इसका अच्छा दिखता है। फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं हम, एंड मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अभी जो डोमेन है वहाँ पे ये डिफॉल्ट जो पेज होता है यूज टेबल की तरफ से, आपको यहाँ पे ये डिफॉल्ट पेज मिल जाता है, वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलता है, हमें फाइल मैनेजर में कहाँ पे जाना है, हमारे पब्लिक HTML के अंदर जाना है। पब्लिक HTML के अंदर आपको API या फिर react_files.zip ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक HTML फाइल मिलेगी, index.html। आपको क्या करना है, उसको राइट क्लिक करके रीनेम करना है, ठीक है। ये रीनेम हो गया, एंड ये सारे जो जिप फाइल्स और ये जो फोल्डर्स है वो इसीलिए है क्योंकि यहीं पे मैंने हेडलेस वर्डप्रेस और React.js को इंस्टॉल किया था। फिलहाल आपको ये जो Next.js का डिप्लॉयमेंट है वो दिखाने के लिए मैंने रिएक्ट के फाइल्स को यहाँ पे जिप करके रख दिया, तो यहाँ पे चलता है, और ये जो नेक्स्ट डेमो है इसको लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे।
यहाँ पे ये अपलोड हो गया है, इसको एक्सट्रैक्ट करता है। अब ध्यान रखिए मैं एक्सट्रैक्ट पब्लिक एचटीएमएल के डायरेक्ट अंदर ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी फोल्डर का नाम नहीं देना है, यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की हुई है, करते हैं एक्सपोर्ट। इतना करने से हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, तो मैं इसको करते एक बार हार्ड रिफ्रेश एंड देखिए हमारी जो नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट है वो यहाँ पे दिख गई है। ठीक है, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे होम में, तो यहाँ पे होम हमें दिख रहा है अबाउट, तो यहाँ पे हमें अबाउट दिख रहा है। ठीक है, और ये सेम चीज़ें हमारे लोकल पे भी इसी तरीके से चल रही है। एंड मैंने यहाँ पे सर्वर तो बंद कर दिया है, तो लोकल वाला तो नहीं चलेगा, तो एक बार फिर से रन करते हैं npm run dev। नेक्स्ट जेएस को रन होने में रिएक्ट के मुकाबले में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो वो हो जाना चाहिए जल्दी। देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये होम एंड यहाँ पे अबाउट एंड सेम चीज़ यहाँ पे हमारे लाइव सर्वर में भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स ये था आप नेक्स्ट जेएस 13 को शेयर्ड होस्टिंग में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं हूं तनुज पात्रा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।